मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास सिक्स की साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकाई एक, दैनिक जीवन में विज्ञान। ठीक है बच्चों, तो दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है और इसकी क्या भूमिका है, और जो हमारे परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका जो है उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। तो मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है, उसे हमेशा जो है अपने आसपास की दुनिया में घटने वाले प्रत्येक घटनाक्रम में कब, कहाँ, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में उत्सुकता ही होती थी। तो वास्तव में विज्ञान की शुरुआत जो है वो इसी उत्सुकता से हुई। तो हम बात करते हैं कि एक बच्ची है जो कि अपनी माँ से प्रश्न पूछ रही है कि माँ, कोई भी चीज़ को अगर हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, ऊपर की ओर उछालते हैं, तो वो नीचे क्यों गिर जाती है, और प्रेशर कुकर में मम्मी आप खाना बनाती हो तो खाना जल्दी कैसे पक जाता है, और साथ ही साथ बच्चों दूध से दही कैसे बन जाता है, फ्रिज में सामान रखा है तो वो ठंडा कैसे रहता है, चिड़िया उड़ती है तो वो कैसे उड़ती है। तो ये सारे प्रश्न जो है एक बच्ची जो है अपने माँ से पूछ रही है, लेकिन माँ उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाती है। तो उसकी मम्मी क्या बोलती हैं बच्चों कि मैं इन सवालों के जवाब नहीं जानती हूँ, और इसे बेटा आप जाना तो आप अपनी मैम से पूछना। ठीक है, तो वो दूसरे दिन जो है अपने स्कूल जाती है, अपने टीचर्स के पास जाती है और अपने सवाल जो है अपनी टीचर से पूछती है कि ऐसा क्यों होता है। तो मनुष्य में हर चीज़ को जानने समझने की उत्सुकता होती है। यह उत्सुकता देखने, छूने, सूंघने, स्वाद चखने या सुनने के कारण उत्पन्न होती है। उत्सुकता के कारण ही हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं बच्चों। तो विज्ञान जो है इन्हीं सवालों का उत्तर देने की कोशिश करता है। तो सीमा ने कहा ठीक है, लेकिन जो बच्ची थी उसका नाम था सीमा, तो ठीक है लेकिन विज्ञान इन सवालों का जवाब कैसे देता है मैम, उसने पूछा। तो उसकी जो मैम थी उसने ये कहा कि यह जानने के लिए हमें समझना होगा कि वैज्ञानिक जो हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं। वे जिस समस्या का हल खोजना होता है सबसे पहले उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, देखते हैं कि क्या समस्या है, उससे संबंधित सारी जानकारियों को जो वो एकत्रित कर लेते हैं बच्चों, और एकत्रित जानकारी के द्वारा वे अपने उत्तर के बारे में कल्पना करते हैं। इस तरह किसी भी सिद्धांत की रचना होती है, यानी कुछ सिद्धांत बन जाता है, और सिद्धांत की रचना ही सवाल का सबसे अच्छा समाधान होता है। सिद्धांत की पुष्टि के लिए बार बार प्रयोग किए जाते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और ताकि यह विश्वास होने लगे कि इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान जो है, इस समस्या का सबसे अच्छा हल यही है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सीमा ने सवाल पूछा, जो लड़की थी उसका नाम था सीमा। तो जब उसने सवाल पूछा तो उसके टीचर ने क्या कहा, तो उसने ये पूछा था कि चीज़ों को हवा में उछाल देते हैं तो वो ज़मीन पर ही क्यों गिर जाती हैं, तो क्या ऐसा हर जगह पर होता है, क्या हर वस्तु के साथ में ऐसा होता है। तो यह जानने के लिए जो है वो कई बार कई कई वस्तुओं के साथ अलग अलग जगह पर प्रयोग करने पड़े ताकि पता चले कि क्या ये सबके साथ में ऐसा होता है। तो बच्चों एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। तो जो ये वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, हर तरह की वस्तु, फूल, पत्थर, सिक्के, कपड़े जो हैं वो उसको उछाले, और उसको उछालने के बाद देखा कि वो वापस आके कहाँ गिर जाते हैं, ज़मीन में ही गिर जाते हैं। और साथ ही साथ बच्चों इसके साथ एक घटना भी जुड़ी हुई है कि जब वैज्ञानिक जो न्यूटन थे वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, पेड़ के नीचे जब वो बैठे थे और कुछ सोच रहे थे बच्चों, तो क्या हुआ कि एक फल जो है वो आकर के उनके सिर पे गिरा। ठीक है, जब सिर पे गिरा तो उन्होंने सोचा ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया, मेरे सिर पे क्यों गिरा। तो इस तरीके से उन्होंने इस तरीके के कई एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने देखा कि हर चीज़ को उछाल करके देखा वो आकर के क्या हो रही है, नीचे ही गिर जा रही है ना। तो अब ये हुआ कि भाई ये नीचे क्यों गिर जाती है, तो जो सर आइजैक न्यूटन थे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि पृथ्वी जो है वो हर वस्तु को जो चाहे वो बॉल हो, चाहे वो पत्ती हो, फूल हो, सिक्के हो, कुछ भी हो,
तो पृथ्वी ही है जो हर वस्तु को अपनी ओर क्या कर लेती है बच्चों, खींच लेती है कि अपनी ओर खींचती है। तो उन्होंने इस बल का क्या नाम दिया, गुरुत्वाकर्षण बल दिया। गुरुत्व मतलब होता है हमारी पृथ्वी, आकर्षण मतलब होता है बच्चों आकर्षण, आकर्षण मतलब क्या होता है, खींचना। तो पृथ्वी जो है इन सारी चीज़ों को अपने आप अपनी ओर खींच लेती है, तो इसे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया। तो बच्चों जो सीमा थी वो इतना सरल सा उत्तर पा करके बहुत खुश हो गई कि वाह मेरे प्रश्न का उत्तर तो बहुत ही सरल था, ये तो इतना आसान था। तो अब ये बात आई कि भाई सारे सवालों के जवाब क्या इसी तरीके से सरल होते हैं, तो उसने कहा कि उनके उत्तर जो है या सिद्धांत पाना जो है अक्सर जो है वो जटिल होता है। वैज्ञानिक किसी भी समस्या जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के लिए जो है वो वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों के द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं बच्चों, और उससे समाज जो होता है हमारा लाभान्वित होता है। वैज्ञानिक विधि के कौन कौन से चरण हैं, वो किस तरीके से कार्य करते हैं ताकि कोई सिद्धांत बन जाए बच्चों, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, तो इसके जो चरण निर्धारित किए गए हैं वो टोटल मिलाकर के 8 चरण हैं। तो पहला जो है सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये काम हुआ या ये ऐसी घटना घटी तो वो क्यों घटी, प्रश्न भी तो होना चाहिए ना। जब प्रश्न उठेगा तभी तो उसका हल निकालेंगे हम या उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, हमें जिज्ञासा होनी चाहिए, प्रश्न बनना चाहिए। फिर इसके बाद क्या हुआ कि परिकल्पना दूसरा पॉइंट हुआ, दूसरा चरण हुआ जो जिस पर वैज्ञानिक काम करते हैं परिकल्पना। परिकल्पना क्या है बच्चों, कि हमें कल्पना करना कि अच्छा ऐसा हो रहा है, हो रहा है तो क्यों हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है बच्चों परीक्षण। परीक्षण मतलब उसके परीक्षण किए जाते हैं कि क्या ये हर जगह हो रहा है। इसके बाद निरीक्षण होता है, विश्लेषण, वर्गीकरण। जो चौथा पॉइंट है हमारा वो है निरीक्षण, विश्लेषण और वर्गीकरण। पांचवा है उससे संबंधित अभिलेखों को तैयार किया जाता है। छठवा है फिर से पुनर्विचार किया जाता है कि क्या ये नियम सही है, क्या सभी के लिए ऐसा लागू होगा बच्चों। और सातवां है हमारा निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकलता है कि क्या जो हमने ये प्रयोग किया है तो उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा और क्या बन करके हमारे सामने में रिजल्ट आएगा। और आठवां है फिर इसके बाद उससे संबंधित नए नए प्रयोग किए जाते हैं। तो अब जो है ये पूरे हमारे चरण हो गए। कितने चरण हैं बच्चों, 8 ने 8 चरण हैं जो कि आपके बुक में दिए गए हैं। इन चरणों के माध्यम से ही जो वैज्ञानिक हैं वो अपने काम को करते हैं, अपनी जो जिज्ञासा है जो प्रश्न है उसका समाधान करने के लिए इन्हीं चरणों का प्रयोग करते हैं और उस समस्या का हल ढूंढते हैं बच्चों। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या देन है, विज्ञान की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हैं, और विज्ञान के माध्यम से जो है विज्ञान के प्रयोगों के माध्यम से हमें मिली हैं। तो आज बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा कि जो वैज्ञानिक विधि है उसके कौन कौन से चरण हैं, 8 चरण हैं, और उसमें वैज्ञानिक कार्य करते हैं और नए नियम नए सिद्धांत जो है वो बनाते हैं जो कि हमारे समाज के लिए ज़रूरी हैं और जिससे हमारा समाज क्या होता है बच्चों, लाभान्वित होता है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।